हेलो दोस्तों, आज हम आपको अपने न्यू YouTube चैनल के बारे में बताने वाले हैं। ये मेरा न्यू फसी मॉम एंड बेबी चैनल है। जैसे कि आप नाम से पहचान रहे होंगे, ये प्रेग्नेंट मदर्स एंड बेबीज़ के लिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। प्रोडक्ट के साथ में आपको डीपली नॉलेज भी मिलने वाली है। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, जैसे आप मेरी ड्रेस को देख पा रहे होंगे, तो मैं एक रिटेल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करता हूँ। एंड रिटेल इंडस्ट्रीज़ के में कैसे ग्रो करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या UPT VPT होता है, KRA क्या होते हैं, स्टोर का इन्वेंट्री वगैरह क्या होता है, सारी ऑल ओवर वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। एंड आज मैं आपको केवल स्टोर अपना टूर कराना चाहता हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे स्टोर के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, कौन सी मदर्स के लिए रहते हैं, कौन से प्रोडक्ट बेबीज़ के लिए रहते हैं, कितने सेफ रहते हैं, कितने यूजफुल रहता है। सारी ऑल ओवर जानकारी मैं आपको एक वन बाय वन वीडियो में देता रहूँगा। चलिए आइए, आपको मैं अपना स्टोर टूर कराता हूँ। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, ये हमारे स्टोर का ब्रांडिंग नेम है, बेबी हग ब्रांड है। बेसिकली ये फसाड होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे चलकर दिखाऊं, तो ये हमारे स्टोर का बेबी फसाड भी बोलते हैं या फ्रंट एंड भी बोलते हैं। बेसिकली ऐसा रिटेल इंडस्ट्रीज आपको फ्रंट एंड में ऐसे पूरा ओपन क्यों विंडो देती है, उस सब के बारे में भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा अपनी वीडियो में। बेसिकली आज मैं स्टोर टूर करा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है अंदर स्टोर में। जैसे कि आप देख चुके हैं, ये हम स्टोर में एंटर हो चुके हैं। स्टोर में एंटर होने के तुरंत बाद अगर हम अपने लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो ये हमारे स्टोर का शूज़ सेक्शन है, जिसमें ऑल ओवर शूज़ मिलते हैं न्यू बॉर्न टू लेकर 6 ईयर तक के बेबी के लिए। स्टाइलिश शूज़ क्रॉक्स मिल जाएंगे आपको, स्पोर्ट्स सैंडल्स मिल जाएंगे, चूचू वाले सैंडल्स रहते हैं ये भी मिल जाएंगे। एंड आपको एसेसरीज़ के रिगार्डिंग देखेंगे तो गॉगल्स, हेयर बैंड या वॉच वगैरह, बेल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। एंड बेलीज मिल जाएंगे आपको, काफ़ी न्यू लुक की वैलीज रहती हैं, ये सारी वैलीज सेक्शन मिलते हैं। एंड डे फर्स्ट से यूज़ होने वाले अगर आपको शूज़ चाहिए, तो वो शूज़ भी मेरे पास में मिलेंगे। ये डे फर्स्ट से यूज़ होने वाले पार्टी वियर बेबी न्यू बॉर्न के लिए काफ़ी अच्छे शूज़ रहते हैं, जो आपको मिल जाएंगे। एंड अगर हम अपने राइट साइड में चलें, तो ये हमारा न्यू सेक्शन रहता है, जिसे हम नर्सरी सेक्शन के नाम से जानते हैं। इस सेक्शन के अंदर आपको ट्रॉली बैग, गद्दा वह मॉस्किटो नेट के साथ में बेडिंग सेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। राई पिलो, जैसे बेबी के लिए न्यू बॉर्न बेबी रहता है, तो उसकी नेक को गोल सेफ देने के लिए राई पिलो काफ़ी रिक्वायरमेंट में रहता है, वो सब कुछ मिलेगा मेरे पास में। डे फर्स्ट से यूज़ होने वाला रैपर, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये रैपर है, कॉटन रैपर होता है, 100% मसलिन का कॉटन रहता है। इससे थोड़ा सा अगर मैं आपको आगे ले चलूँ, तो ये मेरा सेक्शन रहता है दूसरा, जो बच्चों के लिए काफ़ी ही अट्रैक्टिवफुल रहता है, टॉयज सेक्शन। जैसे आप देख रहे हैं, ये टॉयज सेक्शन है। इस टॉयज सेक्शन में न्यू बॉर्न बेबी के से लेकर 6 ईयर तक के लिए लर्निंग पर्पस से, एक्टिविटी पर्पस से, एंड आपको जैसे गेमिंग पजल्स गेम वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, टेंट हाउस, बूल पूल वगैरह सब कुछ आपको मेरे पास में मिल जाएगा। डॉक्टर सेट, किचन सेट, मेटर्निटी सेट सब कुछ आपको मिलेगा, ये प्ले जिम वगैरह सब कुछ। मैं आपको एक एक प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज हर एक प्रोडक्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एंड जैसे हम लेफ्ट थोड़ा सा अगर अपना टर्न आउट लेते हैं, तो यहाँ आपको डायपरिंग सेक्शन मिलेगा, जिसमें न्यू बॉर्न बेबी के लिए कॉटन नैपीज, मदर्स के लिए मदर बैग वगैरह, और जैसे क्यूक ड्राई सीट्स वगैरह। डे फर्स्ट से जैसे बेबी टॉयलेट वगैरह करता है, तो अपने में बेड को कैसे प्रोटेक्ट करें, वो सारी चीज़ें मेरे पास मिलेंगी। एंड अगर बेबी 6 मंथ के हो जाते हैं, तो स्टाइलिश पॉटी सीट्स वगैरह भी आपको मेरे पास में मिलेंगी, ये स्टाइलिश पॉटी सीट्स रहती हैं। एंड थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट होते हैं यहाँ से, तो ये हमारे आपके डायपर्स आ जाते हैं, जो कि पैंट स्टाइल रहते हैं। कौन कौन से टेक्नोलॉजी से ये बनते हैं, कौन कौन से इंटीग्रेट्स होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको देंगे। एंड थोड़ा सा अगर हम राइट होते हैं, तो आपको मिलेगा बेबी गियर सेक्शन। ये बहुत अच्छा और बच्चे के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव सेक्शन रहता है। इसके अंदर आपको बेबी के लिए, न्यू बॉर्न के लिए आपको क्रैडल हो गया, आपका जीप्स हो गई, स्टॉलर कार वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आगे थोड़ा हम जा रहे हैं, तो ये बेबी कार सीट रहती है, कैसे कार सीट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कौन सी कार सीट किस एज ग्रुप में यूज़ होती है, सारी नॉलेज मैं एक एक वीडियो के लिए, एक एक प्रोडक्ट के बाय अकॉर्डिंग आपको बना कर दूंगा। एंड राइड ऑन होता है, कौन सा राइड ऑन किस एज ग्रुप में यूज़ होता है, कैसे हमें यूज़ करना होता है, कैसे हम बच्चे को काफ़ी अच्छे से यूज़ कराते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये ट्राईसाइकिल है, ये बेबी बाउंसर है, आपको ये सब मिल जाएगा। ये स्टॉलर कम प्रैम है, इसमें स्टॉलर कौन सा है, प्रैम कौन सा है,
किस एज ग्रुप में कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, वो सारी नॉलेज मैं आपको एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज बनाकर आपको वीडियो की देता रहूँगा। प्लस आपको यहाँ पर अगर राइट में देख पा रहे होंगे तो ये फीडिंग चेयर बनी हुई है, जहाँ पर आपको फीडिंग चेयर के रिगार्डिंग सब कुछ मिलेगा। ये सारी फीडिंग चेयर हैं, कौन सी फीडिंग चेयर है, बेसिकली किस एज ग्रुप में यूज़ होगी, कैसे यूज़ करनी होती है, कैसे फोल्ड करनी होती है, कैसे कैरी ऑन करना होता है, वो सब कुछ मिलेगा। एंड इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये बूस्टर चेयर होती है, जो कि डाइनिंग टेबल की चेयर पर फिक्स हो जाती है, कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता, वो भी हम आपको एक एक वीडियो के अंदर बताऊँगा। प्लस आपको ये दूसरे थर्ड नंबर पर जैसे आप देख रहे हैं ये वीवी वॉकर रहता है, किस एज ग्रुप से यूज़ होगा, सारी चीज़ें नॉलेज। एंड ऊपर राइड ऑन है, स्कूटर्स हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। आप अगर यहाँ पर देखें तो ये जो स्पेस है इसके अंदर मैंने आपको अपना डिस्प्ले किया हुआ है कि बेसिकली क्रैडल क्या होता है। जैसे क्रैडल होता है, बच्चे को स्विंग करना होता है, झुलाना होता है, डे फर्स्ट से न्यू बॉर्न बेबी को हम गोदी में कैरी करते हैं, तो कैसे कैसे यूज़ कराना होता है। टोल्डर बेड है, सॉफ्ट टॉय हैं, ये बेड कैसे यूज़ करने होते हैं, हमें किस किस एज ग्रुप में कहाँ कहाँ कौन कौन सा लेबल अलग होता है, कैसे इनके असेंबलिंग होती है, कैसे डिसेंबलिंग होती है, कैसे लेबल एडजस्टिंग होता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे थोड़ा सा आगे राइट होते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये हेल्थ एंड सेफ्टी का सेक्शन रहता है। इस सेक्शन के अंदर आपको मिलेंगे बाथ टब वगैरह, बॉटल क्लींजर, नेल क्लीपर आपको मिलेगा, ये जैसे मैं देख पा रहे होंगे थर्मामीटर्स, ईयरबड्स और आफ्टर बाइट रोल ऑन, रोल मॉस्किटो रोल ऑन, आपको इलेक्ट्रिसिटी से बीबी को बचाने के लिए फिंगर ना चले जाएं तो आपको सेफ्टी पर्पज़ से वो सारी चीज़ें मिलेंगी, कॉर्नर गार्ड्स वगैरह, स्टोर डोर स्टॉपर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, नी पैड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मैं इसी प्रोडक्ट नॉलेज में इसी सेम चैनल पर आपको सारी एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए आगे चलते हैं, ये हम देखते हैं, ये हमारा सेक्शन है फीडिंग एंड नर्सिंग का, जिसमें आपको प्रेग्नेंट मदर्स के लिए मैटरनिटी बेल्ट्स, ब्रश पैड्स, ब्रश पंप वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड न्यूबॉर्न बेबी के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा फीडिंग बॉटल्स, किस किस बॉटल में यूज होता है स्टील, जैसे हमारे पास में तीन टाइप की बॉटल आती हैं, स्टील, ग्लास और प्लास्टिक, कौन सी बेटर रहती है, कौन सी नहीं, कौन सी बॉटल सबसे बेटर अच्छी रहती है। और नीचे आप जैसे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर फूड फीडर, पैसिफायर या हनी वाला, बॉटल क्लिनसर वगैरह सब कुछ मिलेगा। एंड आपको सिपर वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं थोड़ा सा इससे राइट होता हूँ तो यहाँ पर हम आपको देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ आपको मिलेगा न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्लॉथ हैं सारे, कौन कौन से फैब्रिक है, बेसिकली किस फैब्रिक का क्लॉथ ज़्यादा अच्छा रहता है, किस फैब्रिक का नहीं, किस एज ग्रुप में बनते हैं ये कपड़े, कैसे बनते हैं, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग बनते हैं या वेट के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा। जंप सूट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर मिलता चला जाएगा, इसी चैनल पर मिलेगा। ये बाथ एंड स्किन का पूरा फुल नॉलेज मिलेगी आपको कि कौन सा सॉप किस एज ग्रुप में यूज़ होता है, कैसे बेसिकली सॉप को हमें यूज़ करना चाहिए, हेड टू टॉय क्या होता है, वो सारी नॉलेज मिलेगी आपको। ये सावर कैप वगैरह, हैंकी है, बात टॉयज़ वगैरह हैं, ये भी सारी चीज़ें मिलेंगे। एंड आगे जैसे हम चलते हैं तो आपको ये देख रहे होंगे, जैसे ये ऑल ओवर समझ में आ रहा होगा कि ये क्लॉथ सेक्शन है, यहाँ पर आपको लेगिंग, पजामा सब कुछ आपको मिलेगा, नाइट सूट्स वगैरह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग में, स्टाइलिश डिज़ाइनिंग की फ़्रॉक वगैरह या स्कर्ट्स टॉप वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड इससे आगे थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं तो ये बीच में आप जैसे देख रहे हैं ये आपको सैटन सूट मिल जाएंगे। सैटन सूट का मतलब होता है टॉप के साथ में सेट्स या बॉटम के साथ में सेट्स, बेसिकली अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। नीचे आप देख रहे हैं पार्टी वियर फ्रॉकें हैं, डांगरी सेट्स हैं। अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये स्कर्ट्स वगैरह का सेक्शन लगा हुआ है, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉर्ट्स और स्कर्ट्स लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इससे अगर आगे हम आपको चलते हैं तो ये हमारा पार्टी वियर या आप एथनिक वियर का सेक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर गब्बी भी गर्ल्स के लिए फ्रॉकें लगी हुई हैं, लहंगा लगे हुए हैं, गाउन लगे हुए हैं, स्कर्ट्स लगे हुए हैं, इसकी भी आपको नॉलेज दूंगा कि कौन सा फैब्रिक किस इस ग्रुप के बेबी के लिए बेटर रहता है, कब पहनाना चाहिए, कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे वॉश करना है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, सबकी डीपली नॉलेज मिलेगी। एंड ये जैसे ऊपर भी देख रहे हैं पार्टी वियर फ्रॉक के साथ में बेबी बॉय के लिए थ्री पीसेस, टू पीसेस लगे हुए हैं, बीच में आप देख रहे होंगे ये पार्ट गिफ्टिंग सेट्स हैं, किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक का आता है, कैसे कौन सा फैब्रिक इसमें रहता है, कौन सी चीज़ें आपको बेस्ट रहती हैं, वो सारी नॉलेज मिलेगी। एंड अगर आप देख
लेना चाहें तो ये हमारा कैश काउंटर रहता है। बेसिकली रिटेल के अंदर कैश काउंटर में क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या KRA होते हैं कैश काउंटर के, वो सारे मैं आपको इसी चैनल पर सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एंड रिटेल के अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, कैसे हम यूज़ करते हैं मतलब रिटेल इंडस्ट्रीज़ में ग्रो करने के लिए, कैसे ग्रो पा सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्या क्या हमें माइंड में रखना होता है, कैसे हम जल्दी से जल्दी हम अपना नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं, उस सब की भी मैं आपको यहाँ डीपली नॉलेज इसी चैनल पर दूंगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो न्यूज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।